सो है गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आप सभी लोगों को हमें पता तो हुआ कि ये वाली वीडियो जब मैं एडिट करने बैठा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ भी मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुई है और जो अपने 3-4 घंटे की मेहनत थी ना यार सारी बेकार हो चुकी है। तो इसलिए मेरे को यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैंने यहाँ पे इंस्टा पे स्टोरी भी डाल दी और जो अपने यूट्यूब पे पोस्ट भी कर दिया कि अब आप लोग बताओ कि यहाँ पर मैं क्या करूँ, अपना ये जो हाउस है तोड़ के दोबारा से बनाऊँ या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे बहुत सारे बंदों ने मेरे को यहाँ पे कमेंट भी करा था कि मतलब किसी और टॉपिक पे वीडियो बना लो और यहाँ पे बहुत सारे बंदों ने ये भी बोला था कि ये हाउस तोड़ के दोबारा से बना लो। लेकिन यार यहाँ पे मेरे को 3-4 घंटे सिर्फ बनाने में लगे और अगर इसको तोड़ के दोबारा बनाता तो यहाँ पे और कितना टाइम लगता। फिर उसके अगले दिन मेरे को याद आया कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ अपनी जो रिप्ले मोड की रिकॉर्डिंग है ना वो भी ऑन कर रखी थी। यहाँ पे जितना भी रिप्ले मोड का रिकॉर्डिंग है ना वो यहाँ पे सारा मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं थोड़ा ये करने वाला हूँ कि अपनी जितने भी अपने रिकॉर्डिंग करी थी ना वो यहाँ पे मैं थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स में आपको दिखा दूँ कि क्या क्या करा हमने और कैसे कैसे हाउस को बिल्ड करा है। ठीक है, तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में आपको पता ही हो हम कहाँ गए थे, हम गए थे नैदर में और वहाँ पर बहुत बुरी तरह से मरे थे क्योंकि यहाँ पर हम अपनी इंचैनमेंट जो आर्मर है और जो टूल्स हैं उनके साथ गए थे लेकिन फिर भी वहाँ पे मर गए थे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पूछा था कि अब आप बताओ कौन कौन से इंचैनमेंट डालूं मैं इसमें और क्या करूं मैं आगे। यहाँ पे एक बंदे ने मेरे को कमेंट करा कि यार अपने जितने भी टूल्स और जितने भी आर्मर है ना उसमें अपना अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन डालो कम से कम। और उसके साथ साथ एक कमेंट और आया था मेरे पास कि अपना जो है एक नया हाउस बनाओ, अपना जो है नया बेस बनाओ ताकि जो आप अपने जितने भी अपग्रेड है ना उसमें कर सको और यहाँ पे जो है आपके पास एक हाउस होना चाहिए अपना। तो इसलिए आज की वीडियो हम बनाने वाले एक अपना खुद का हाउस। और उसी के साथ साथ मैंने एक यहाँ पे डॉगी भी टेम करा था और इसका नाम तो मैंने अभी नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नेम टैग नहीं था। और आपके सर्वर में आपके पास एक डॉगी है या नहीं है वो बताना मेरे को और आपने उसका क्या नाम रखा ये भी बता देना है कमेंट करके। और चलो मैं आपको बताता हूँ कि बेस बनाने हमने क्या क्या करा था। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को एक जगह देखनी थी जहाँ पे हम अपना बेस बना सके। यहाँ पे मैंने एक जगह देखी और उसका जो एरिया था ना पूरा क्लियर करा अपनी डायमंड की शवल से। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी डर्ट थी ना वो हटा दी थी और यहाँ पे बस डायमंड की शॉल में एफिशिएंसी 4 लगी थी जिसकी वजह से यहाँ पे अपना काम है बहुत फास्ट हो गया था। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे 5x5 के गैप में अपने वुडन लॉग लगाए और उसके साथ साथ हमने जितने भी वुडन लॉग लगाए थे यहाँ पे उसको 4x4 की हाइट दी है। उसका जितने भी हमने यहाँ पे वुडन लॉग लगाई थी उसको एक दूसरे से कनेक्ट करा है और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्टेयर बनाई है और जो अपने ग्राउंड फ्लोर की सीलिंग थी ना वो यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है ताकि यहाँ पे जो अपना हम एनिमल को टेम कर सके और यहाँ पे एक अपना जो माइनिंग एरिया भी बना सके बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं माइनिंग एरिया बनाने वाला हूँ इन फ्यूचर जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। और उसी के साथ साथ हमने अपने फर्स्ट फ्लोर की शुरुआत भी करी। यहाँ पे मैंने दोबारा से 4x4 वुडन लॉग लगाए हैं और इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करा है और यहाँ पे मैंने साइड से और पीछे से यहाँ पे वुडन प्लैंक लगाया है। फ्रंट का मैंने अभी छोड़ दिया क्योंकि उसको बाद में करूँगा मैं। और उसके बाद हम गए अपने अगले फ्लोर पे और अगले फ्लोर पे यहाँ पे मैंने साइड के 5x5 ब्लॉक यहाँ पे छोड़ दिए और उसके जितने अपने जो पिलर आ रहे थे उसको मैंने दोबारा से 4x4 हाइट के कराए और एक दूसरे से कर दिया इन सबको कनेक्ट। उसके बाद यहाँ पे मैंने खाली पीछे से यहाँ पे वुडन प्लैंक लगाया और यहाँ पे साइड से और आगे से मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे साइड से मैं लगाने वाला हूँ अपना फायर कैंप। और यहाँ पे फायर कैंप लगाने के बाद मैंने उन सबको बुझा दिया सबको। और यहाँ पे जो अपना फ्रंट का एरिया ना वहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्लास स्टेयर और वुडन लॉक से यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने की कोशिश करी है ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। उसका जितना भी अपना अंधेरा हो रहा था ना तो लास्ट में मैंने यहाँ पे लैंटर्न लगा के सब जगह लाइट अप कर दिया ताकि यहाँ पे कोई भी मॉब स्पॉन ना हो। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेरी लीव लगाई है ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। और थोड़े से डेकोरेशन के बाद अपना फाइनल हाउस जो है ऐसा दिख रहा है। यार आप कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी और जो अपना हाउस है यार वो कैसा लग रहा है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना और कुछ भी बोलना है तो यहाँ पे मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में यार इतना रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।